हेलो फ्रेंड्स, बगड़ो एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 26 और 27 मई की करंट अफेयर की घटनाएं, जो भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट साबित होगी। जैसे बात करेंगे सेक्स वर्क को पेशा मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बोगो सागर जो हाल ही के अंदर नौसेना अभियान कहाँ आयोजित किया गया 2022 का, ग्लोबल हेल्थ अवार्ड WHO में किसे इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट हाल ही में इंडिया ने किसके साथ साइन किया है, नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, वो इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बजट में कितना बजट हाल ही के अंदर अप्लाई हुआ है, उसकी GDP non-GDP कितनी रही है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस कब मनाया जाता है, इसके अलावा भी तमाम करंट अफेयर जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, इस बागड़ो SB के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का निशान है वो प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप है उन सभी में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि सभी को इस निःशुल्क क्लास का फ़ायदा मिल सके। करते हैं अपनी क्लास को शुरू। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे फ्रेंड्स, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को पेशा मानते हुए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सहमति से ऐसा करने वाले वयस्कों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिस अनुच्छेद की बात की है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 142। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अनुच्छेद जो है 142 नंबर अनुच्छेद है, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई 2022 को ये फैसला सुनाया। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का विशेषाधिकार देता है। यौन कार्य पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। यौन कर्मी भी कानून के तहत एक समान संरक्षण के हकदार हैं। आपराधिक कानून क्रिमिनल लॉ सभी मामलों में आयु और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिए। जब ये स्पष्ट हो कि सेक्स वर्कर और सहमति से इस काम में हैं, तो पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई को नियंत्रित किया है, चूँकि स्वैच्छिक कार्य अवैध नहीं है और केवल वैशाल्य चलाना गैर कानूनी है। इसलिए जब भी किसी वैशाल्य पर छापा मारा जाए तो गिरफ्तारी या दंडित या परेशान या विक्टिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। यौन कर्मी के द्वारा उठाए गए उपाय पुलिस द्वारा उनके अपराध के सबूत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बच्चों के मामले में क्या आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेक्स वर्कर के बच्चे को सिर्फ इस आधार पर ही माँ से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वह देह व्यापार में है। सेक्स वर्कर और बच्चे को भी शालीनता और गरिमा का बेसिक प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। यदि कोई नाबालिग वैशाल्य में कर्मियों के साथ रहता पाया जाता है तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि बच्चे की तस्करी की गई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 142 क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान के भाग 5 संघ के अध्याय 4 में आता है। ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का विशेषाधिकार देता है। इसके अंतर्गत किसी भी मामले में अगर अन्याय कानून लागू नहीं हुआ तो कोर्ट का फैसला सर्वोपरि माना जाएगा। इस अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया है, अनुच्छेद 142(1) और अनुच्छेद 142(2). अनुच्छेद 142(1) सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार देता है कि अगर किसी मामले में मौजूदा कानून से पूर्ण न्याय नहीं हो पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून से हटकर अलग आदेश दे सकता है। ये आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि मामले के संबंध में सरकार या संसद कोई खास प्रोविजन न दे। अनुच्छेद 142 ये कहता है 142(2)
सुप्रीम कोर्ट को व्यक्ति को बुलाने, दस्तावेज मांगने और दोषी के मामले की जांच करने का अधिकार देता है। इसके अलावा दोषी को दंडित करने का भी अधिकार देता है। फ्रेंड्स, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सब अच्छी तरह से सुने कि 142 आर्टिकल कुछ दिनों से करंट अफेयर की चर्चा में हैं, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की लगभग 100% संभावना है 142 को लेकर। तो 142 अनुच्छेद को अच्छी तरह से आप पढ़ें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोगोसार मई 2022 में आयोजित किया गया है। तो बोगोसार जो युद्धाभ्यास है, हाल ही के अंदर बांग्लादेश के साथ आयोजित किया गया है। यह अभ्यास 24 से 27 मई 2022 तक हुआ। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास बोगो सागर का ये तीसरा संस्करण था। अभ्यास में किन भारतीय युद्धपोत का प्रयोग किया गया है, जैसे आईएनएस कोरा, आईएनएस सुबेदा, इन दोनों का प्रयोग किया गया है। आईएनएस कोरा का स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल कार्वेट है। आईएनएस सुमिदा स्वदेश निर्मित ऑफशोर पेट्रोल युद्धपोत है। इन दोनों का फ्रेंड्स इसके अंदर शामिल किया गया है। बांग्लादेशी युद्धपोत जैसे बीएनएस अबू अबेदहा और बीएनएस अली हैदर, इसको भी इसके अंदर इंटीमेटेड किया गया, शामिल किया गया। भारतीय नौसेना की अगर बात करें तो भारतीय नौसेना के प्रमुख जो अधिकारी है उनका नाम है आर हरि कुमार और स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे, WHO ने डायरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है। तो हाल ही में WHO ने यह अवार्ड जो दिया है वो भारत की सभी आशा कार्यकर्ता, जिनकी भी भारत के अंदर आशा हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी को ये संयुक्त रूप से सम्मानित अवार्ड मिला है। WHO ने भारत की 10 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं को 22 मई 2022 को डायरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। क्यों मिला ये अवार्ड? कोविड-19 महामारी में समुदाय को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को उन तक पहुँचाना। आशा की फुल फॉर्म अगर देखें तो एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ है। आशा भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक भाग के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। इस मिशन को 2005 में भारत के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अबूमणि रामदास के द्वारा शुरू किया गया। आशा क्या करती है? आशा कार्यकर्ता मात्र देखभाल, बच्चों को टीके से रोके जा सकने वाली बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करने का काम करती है। सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल उच्च रक्तचाप और तपेदिक के लिए उपचार का काम भी करती है। पोषण और स्वच्छता के लिए भी कार्य करती है। आशा को कितनी मिली सैलरी? भारत में आशाओं की सैलरी राज्य के हिसाब से अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर अगर पश्चिम बंगाल में आशा वर्कर्स की सैलरी देखें तो 4500 रुपये मानदेय और राजस्थान में 2970 रुपये इन्हें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बात करें WHO के, तो कल के करंट अफेयर में हमने देखा था वापस एक बार अध्यक्ष बना दिया गया है डेट्रोस एडनोम को और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट IIA साइन किया है। तो भारत ने हाल ही में यह एग्रीमेंट USA अमेरिका के साथ साइन किया है। यह एग्रीमेंट 23 मई 2022 को साइन हुआ। भारत के विदेश सचिव विनय कवात्रा, भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय कवात्रा, और USA इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्कॉट नॉथन के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ। इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट वर्ष 1997 में भारत सरकार और USA सरकार के बीच में साइन हुए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट का स्थान लेगा। क्यों किया गया साइन? तो अमेरिका की डेवलपमेंट फाइन एजेंसी द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त निवेश सहायता कार्यक्रम के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। ये इस एग्रीमेंट का प्रमुख उद्देश्य था।
डीएफसी या उनकी पूर्ववर्ती एजेंसियां 1974 से भारत से सक्रिय है। इसने अब तक भारत को $5.8 बिलियन की निवेश सहायता प्रदान की है। आईआईए से भारत को क्या फ़ायदा होगा? भारत अगर इस एग्रीमेंट पर अगर साइन किए हैं तो भारत के लिए क्या प्रॉफिट रहने वाला है? तो भारत में डीएफसी के द्वारा प्रदान की जाने वाली निवेश सहायता में वृद्धि होगी, जिससे भारत के विकास में और अधिक मदद मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका के किस नए ट्रेड इंसेंटिव में शामिल हुआ है? तो भारत हाल ही के अंदर किस नए ट्रेड इंसेंटिव में शामिल हो गया है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भारत हाल ही में शामिल हुआ है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, भारत ने 23 मई 2022 को इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क में शामिल हुआ है। इस पहल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुरू किया था। उन्होंने 23 मई 2022 को टोक्यो में इसे लॉन्च किया गया, और जब इसको शामिल किया तो इसके अंदर टोटल 13 सदस्य थे, और अभी इंडिया भी इसको ज्वाइन कर चुका है। 2022 के अंदर है, न्यू ही इसको साइन किया गया है और न्यू ही ये लॉन्चेड है जो बाइडेन साहब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहे, नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस 2022 कहां पर आयोजित हुई, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया? तो हाल ही में तिरुवनंतपुरम में ये आयोजित हुआ है, तिरुवनंतपुरम। राष्ट्रपति कोविंद नाथ ने 26 मई 2022 को केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। कॉन्फ्रेंस की मेजबानी केरल विधानसभा के द्वारा आज़ादी का अमर महोत्सव के हिस्से के रूप में की गई। नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस 2022, इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम रखी गई थी, पावर ऑफ डेमोक्रेसी। इस कॉन्फ्रेंस में राज्यों की महिला विधायक, महिला मंत्री, दोनों सदनों के डिप्टी स्पीकर भी शामिल थे। कॉन्फ्रेंस में संविधान और महिला अधिकार, भारत की आज़ादी में महिलाओं की भूमिका, महिला अधिकार और कानूनी अंतराल जैसे विषयों पर चर्चा की गई थी। केरल के सीएम जो है पी विजय ने, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, और राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम में। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रख दिया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह लक्ष्य रखा है 6.15 लाख करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 26 मई 2022 को राज्य के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। बजट में आय का लक्ष्य रखा गया था 6.15 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP का कितना लक्ष्य रखा है? तो इसका लक्ष्य रखा है फ्रेंड्स एक ट्रिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में राज्य कोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा है? तो राजकोषीय घाटा जो रखा है 3.96%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे, तो यह मनाया जाता है प्रत्येक 25 मई को। 25 मई को गुमशुदा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आज के करंट अफेयर थे, 26 और 27 मई के जितने भी करंट अफेयर घटना थी। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का प्रेस, जो बेल है उसका प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जितने भी करंट अफेयर की क्लासें हैं वो वहाँ वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्विकली 5 मिनट में आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।